बच्चों, आज हम आपको प्रोज के चैप्टर फर्स्ट द फाउंटेन बाय जेम्स रसेल लॉवेल के चैप्टर की पोएम पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, इसमें जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इन टू दिस सनशाइन फुल ऑफ द लाइट डीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टू नाइट, इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग थ्रू फ्लावर लाइट व्हेन द विंड्स ब्लो। देखिए बेटा, मतलब क्या है इन टू द सनशाइन? मतलब क्या कह रहा है? सूर्य की रोशनी में, क्या कह रहा है? सूर्य की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में फुल ऑफ द लाइट, जब क्या होता है सूर्य की रोशनी में, जब क्या है चारों तरफ लाइट फैली हुई है, और ये क्या है? फुहारा। क्या है? फुहारा आपने देखा होगा या झरना। ठीक है, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, जो क्या कर रहा है? लीप कर रहा है। लीप कर रहा है मतलब उछल रहा है। एंड फ्लैशिंग, फ्लैश कर रहा है मतलब चमक रहा है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न मतलब सुबह, सुबह से रात तक। क्या कर रहा है कि जो फुहारा है वो क्या कर रहा है? सूर्य की रोशनी में फुल ऑफ द लाइट, जब चारों तरफ क्या है प्रकाश फैला हुआ है, तो वो उछल रहा है। क्या कर रहा है? उछल रहा है। जैसे कि ऐसा समझिए, ये होता है, आपने देखा होगा फाउंटेन, देखा होगा फाउंटेन, जो ऐसे 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 झरने आते हैं, जब यहाँ पे पानी है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ढेर सारा क्या है? यहाँ पे ढेर सारा पानी है। अब पानी में जब गिरेगी बूंदे तो क्या होंगी? उछलेंगी। पानी क्या कहते हैं? बूंदे उछलती हैं, तो वो उछल रही हैं। और उन्ही बूंदों में जब सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो क्या कर रही है? चमक रही है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात होने तक। अभी रात हुई नहीं है, जब तक रात हो नहीं जाएगी तब तक वो क्या कर रही है? चमक रही है। इन टू द मून लाइट, मून लाइट मतलब चंद्रमे की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में वाइटर देन स्नो। क्या है वो? वाइट देन स्नो, स्नो मतलब बर्फ, बर्फ से ज्यादा क्या है? सफेद दिख रही है, मतलब दुधिया कलर की। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और वेव कर रही है, वेव कर रही है मतलब लहर रही है, लहर रही है, जैसे कि पानी की लहरें लहरती हैं, लहर रही हैं। सो फ्लावर लाइक, जैसे फूल, जैसे कि एक मान लो, ऐसे आप समझ लो बेटा, ये फूल है, कोई फूल है जो हवा चलती है, तो जब ये फूल हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो ये कह रहा है कि जो ये जो फुहारे हैं, फुहारे की जो ऊपर जा कर के नीचे गिर रही हैं, वो पानी के कारण इधर उधर हवा के कारण क्या हो रही हैं? वेविंग सो फ्लावर लाइक, हिल रही हैं, फूल की तरह हिल रही हैं। कब हिल रही हैं? व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, जब हवा बहती है। तो कह रहा है इन टू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाई डे, मतलब क्या कह रहा है? इंटू द स्टार लाइट, स्टार लाइट मतलब तारों की रोशनी में, तारों की रोशनी, ध्यान दीजिएगा, तारों की रोशनी में, मतलब ये मून लाइट था। मून लाइट मतलब क्या हुआ? जब क्या होगा? पूर्णिमा होगी। और ये कब होगी? स्टार लाइट कब होगी? जब अमावस्या होगी। कह रहा है इन टू द स्टार लाइट, तारों की रोशनी में रशिंग इन स्प्रे, क्या हो रही है? जब तारों की रोशनी में तेज हवा चल रही है तो ये छींटों में बदल जा रही है, मतलब ये दूर दूर तक इनके छींटे जा रहे हैं। हैप्पी एट मिडनाइट, और मध्य रात्रि में, कब? मध्य रात्रि में भी खुश हैं, भी खुश हैं, हैप्पी बाय डे, और पूरे दिन खुश हैं। एवर इन मोशन मतलब लगातार क्या है? गति में है। ब्लिट्सम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड नेवर अवेयर, मतलब एवर इन मोशन, लगातार क्या है? गति में है। गति क्यों है? इनकी जो गति है वो लगातार बनी हुई है, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, जाना नीचे आना। ब्लिट्सम एंड चेरी प्रसन्नचित हैं और खुश हैं। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड, फिर भी जो इनकी ऊंचाई है एक निश्चित है, जैसे कि मतलब इतनी ऊंचाई है कि यहीं तक जा ही सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही है क्या करने की? आसमान को छूने की, हेवन वर्ल्ड मतलब स्वर्ग को छूने की।
नेवर अ वेरी, और कभी नहीं क्या करती हैं, थकती हैं, कभी थकती नहीं है। ठीक है बेटा, इसके बाद का जो पार्ट है वो मैं अगले, इसके मतलब कि आगे की जो 8-16 लाइनें हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ।